नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज टीवी पर। साप्ताहिक राशि फल है यह, जिसमें 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच की बात करेंगे हम। इन 7 दिनों की बात करेंगे, क्या कुछ होगा खास आपके जीवन में, कैसा रहेगा पारिवारिक प्रेम, स्वास्थ्य जीवन, साथ ही आर्थिक जीवन के बारे में भी जानेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखेंगे आपके लिए। इन 7 दिनों में अगर उन उपायों को करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, क्योंकि आपका प्यार तो हमें मिल ही रहा है। साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हम हर दिन आपके लिए बहुत अच्छा अच्छे अच्छे वीडियोज़ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आते हैं और आप ही के सजेशन पर हम टॉपिक जो है वीडियोज़ लेकर आते हैं। तो आप ज़रूर सजेस्ट करें हमें, नीचे बताएं कि आप किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं ज्योतिष से जुड़े हुए। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये 12 से 18 अगस्त के बीच में कौन कौन से तीज त्यौहार हैं। 12 अगस्त दिन है सोमवार, इस दिन है प्रदोष व्रत। 15 अगस्त दिन है गुरुवार, इस दिन है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा व्रत और स्वतंत्रता दिवस। 17 अगस्त दिन है शनिवार, उस दिन है सिंह संक्रांति। 18 अगस्त दिन है रविवार, उस दिन है कजरी तीज। यानी कि ये कुछ त्यौहार हैं जो 12 से 18 के बीच में आने वाले हैं, सप्ताह के बीच में आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन शुरुआत में आपको बता देते हैं कि ये जो राशिफल होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। मेष की बात कर रहे हैं, इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेगा। इसके साथ ही जहां शुक्र का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, तो वहीं सूर्यदेव भी आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से इस सप्ताह आपको यात्रा के समय किसी प्रकार की कोई छोटी बड़ी समस्या हो सकती है। ध्यान रखें, ऐसा कोई भी काम ना करें परिवार में जिससे पिताजी को कोई मानसिक तनाव पहुंचे, क्योंकि इस समय उनकी सेहत में गिरावट दर्ज हो सकती है। अपने मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दें, खुद को किसी भी तरह के विवाद में फंसने से रोकें, क्योंकि संभावना है किसी बुजुर्ग से आपका झगड़ा हो जाए जिससे आपकी छवि जो है वो खराब हो जाएगी। भाई बहन की ओर से सहयोग पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। जीवन में चल रही हूँ सभी उथल पुथल से आप खुद को अधिक तनावग्रस्त पाएंगे, जिससे आप आवश्यकता से अधिक सोचने में अपनी ताकत जो है वो व्यर्थ कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने से आपको थोड़ी राहत मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आप उन्नति पा सकते हैं। इस दौरान आपको अपने पारिवारिक जीवन में भी सुख की अनुभूति होगी, जिससे मन प्रसन्न दिखाई देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे थे तो चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होना आपके लिए शुभ रहेगा। इस योजना को आप अमल में ला सकते हैं। इस दौरान आपकी आमदनी में अचानक से वृद्धि देखी जाएगी, जिससे मन खुश रहेगा। प्रेम जीवन में जातकों को सफलता मिलेगी, लेकिन आपके संबंधों में तनातनी की स्थिति भी बनी रहेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई समस्या आ सकती है, संभव है संतान की सेहत कमजोर होने से आप परेशान रहें। छात्रों को भी इस समय अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होने से आपके सुदूर यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप घर से दूर कहीं घूमने, खासतौर पर किसी जलीय स्थान पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आपको सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आपको जुकाम आदि हो सकता है। इस समय आप घरेलू कामकाज की वस्तुओं पर अपना धन खर्च करने पर विचार कर सकते हैं। वहीं शुक्र और सूर्य के आपकी राशि के पंचम भाव में होने से आप प्रेम क्रियाओं में लिप्त हो सकते हैं। संतान पक्ष के लिए समय उत्तम होगा, क्योंकि शुक्रदेव की कृपा से आपकी संतान उन्नति करेगी। छात्रों को भी शुक्र के गोचर से शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। कला संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे जातक अपने कार्य में अधिक व्यस्त रहेंगे, हालांकि ये लोग इस समय अच्छा धन अर्जित कर पाने में भी कामयाब होंगे। सूर्य के गोचर से संतान कुछ परेशान रह सकती है, लेकिन आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी। छात्रों को भी शिक्षा में कुछ रुकावट महसूस होगी, आपको सूर्य के गोचर से धन की प्राप्ति जरूर होगी। प्रेमफल की बात की जाए, प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह थोड़ा नाजुक है, क्योंकि इस समय आपका प्रियतम छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है या फिर आप उनसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में अगर प्रेमी आपसे रूठ जाता है तो आप उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा देकर मना सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, इसीलिए आपको उनका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। संतान पक्ष पर भी इस दौरान आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उपाय की बात करते हैं, उपाय के तौर पर रेमेडी आपको ये करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है और उन्हें सिंदूर चढ़ाना है। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही सूर्य और शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होने से आपको इस समय धन हानि की भी संभावना है, इसीलिए आर्थिक मामलों में किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। इस समय आपकी सेहत पर भी किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव होगा। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें।
यह समय आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस समय आपका काम जो है पर ध्यान देना आपको जरूरी होगा, नहीं तो कई योजनाएं आपके अभाव में टल सकती हैं। चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से आपके प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी। इस दौरान किसी यात्रा पर जाना होगा जिससे तबीयत खराब होने की संभावना है। इस समय आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन करियर में अच्छे फलों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका गजब का प्रदर्शन जो है सराहनीय होगा, जिससे आपके सीनियर्स आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपको अपने सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा। चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से आपको व्यवसायिक साझेदारी से अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय आपकी आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिससे आपके रुके हुए सभी काम जो है वो पूरे होंगे। नौकरी में अपने प्रयासों के द्वारा आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दौरान मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग से आप धन लाभ पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा इस सप्ताह शुक्र के चतुर्थ भाव में आने से आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी, लेकिन इसके साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। यह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। इस समय आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र पर आपको सावधानी से काम करने की सलाह दी जाती है। वहीं सूर्य का गोचर जब भी चतुर्थ भाव में होगा, आपके घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आएगा, हालांकि ऑफिस में स्थिति आपके पक्ष में आती नजर आएगी। आप इस दौरान सरकारी घर अथवा वाहन सुख का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम फल की बात की जाए, प्रेम संबंधित मामलों के लिए सप्ताह के बढ़िया रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की चतुर्थ भाव में स्थिति आपके प्रेम संबंध में मिठास घोलने का काम करेगी। हालांकि इस दौरान आपका मन प्रेम से लिप्त हो जाएगा। इस दौरान आपको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाने की जरूरत होगी। वहीं शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आप दोनों अपने भविष्य को सुधारने के लिए समय कोई अहम फैसला ले सकते हैं। इस दौरान आप किसी यात्रा पर साथ जाने का प्लान भी बना सकते हैं, जिससे आपका ये रिश्ता और परवान चढ़ता दिखाई देगा। उपाय की बात करें, माँ दुर्गा की उपासना करें और गौ माता को हरा चारा तथा आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह सूर्य और शुक्र देव भी आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होने से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं, जिसके चलते तनाव भी बढ़ेगा। इस दौरान आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, जिसकी वजह से भी आप परेशान रहेंगे। व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेन देन में सावधानी जरूर रखें आप। इस समय आपका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आप ज्यादा गुस्सा करेंगे और साझेदार से भी झगड़ा होने की संभावना रहेगी। इसके बाद चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। धन हानि हो सकती है आपको। वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से मिलने का मौका मिलेगा। आपको अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को मिलेंगे, हालांकि आप मानसिक रूप से अशांत नजर आएंगे। मध्य में चंद्रमा का गोचर नवम भाव में होने से आपके लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी। इस दौरान आपको अनेक अच्छे फलों की जो है अच्छे अनुभवों की प्राप्ति होगी। आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, जो आपका अच्छा मित्र बन जाएगा। हालांकि इस समय आपके भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आपको अपने पूर्व में किए गए काम और उनकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको सुख की अनुभूति होगी। माता पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसके अलावा इस सप्ताह शुक्र के तृतीय भाव में आने पर आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। आपकी किसी खास शख्स से मुलाकात हो सकती है। संभव है कि आप अपने पुराने दोस्तों से मिलें। इस समय भाई बहनों को कष्ट पहुंचाने वाला हो सकता है। इस समय आप अपना तनाव मिटाने के लिए प्रेमी संग किसी रोमांटिक छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। वहीं सूर्यदेव भी इस हफ्ते आपके तृतीय भाव में होंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम में गजब की वृद्धि देखी जाएगी। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उन्हें प्यार से अपनी बात को समझाने की कोशिश करें, आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा। यदि आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, तो ये शुभ फलदायी रहेगा। इस दौरान सरकारी काम में आपको सफलता व सरकार से लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम फल की बात करते हैं। यह सप्ताह प्रेम संबंधित मामलों के लिए अच्छा रहेगा, लिहाजा प्रेम के मामलों में आप थोड़ा दिल फेक हो सकते हैं। इस समय आपका प्रेमी जो है आपके प्रति समर्पित रहेगा, लेकिन जाने अनजाने में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, इसीलिए थोड़ा संभलकर ही आगे बढ़ें। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में खुशहाली आएगी। परिवार की सुख शांति के लिए जीवन साथी अपना पूरा फर्ज अदा करेगा। इस दौरान काम की अधिकता के चलते साथी को तनाव हो सकता है। ऐसे में आप उनको सहयोग करते हुए कुछ हद तक उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। उपाय की बात करें तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बहुरंगी कंबल यानी मल्टी कलर्स वाले कंबल जो है दान कर दें, लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि की।
चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। इसके साथ ही शुक्र और सूर्य का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस समय आपको कई परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। अपनी सेहत को लेकर आपका उदासीन रवैया आपकी परेशानी का सबब बनेगा। स्वास्थ्य के खराब होने की वजह से आपके कई काम अटक सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने विरोधियों के प्रति सचेत रहें, वो आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। अगर मन में कोई दुविधा है तो अपने घर के लोगों से बात करें। सप्ताह के मध्य में चंद्र के राशि परिवर्तन से जीवन में सकारात्मकता आएगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे और अपनी बातों को बेहतर तरीके से उनके सामने रख पाएंगे। इस समय यदि आप अपने घर के किसी सदस्य से अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं तो आपको अच्छा हल मिलेगा। कारोबारियों के लिए भी टाइम अच्छा है। अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई नया प्लान बनाएं। प्लान को लागू करने के लिए पहले जानकारी लें, जानकार लोगों से सलाह लें, तभी आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान ज़रूर हो जाएगा आपको। आपके द्वारा किए गए कुछ खर्चे आपको मानसिक परेशानियां दे सकते हैं और धन हानि की वजह आपको तनाव की स्थिति से भी दो चार होना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है कि अपने परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं। इस दौरान पिता के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा। आप अपने पिता के साथ एक दोस्त की तरह बात करेंगे, जिससे आप दोनों के बीच गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इस दौरान इस राशि के कुछ छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने से घर में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है। इस दौरान आपको स्वादिष्ट पकवान खाने का भी मौका मिल सकता है। आपकी बात करने की कला लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। सूर्यदेव भी आपके द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे, जिससे कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। घर के कुछ लोगों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा होने की भी संभावना है। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें लाभ होने की पूरी संभावना है। इस राशि के कुछ लोगों को पैतृक व्यवसाय में से लाभ मिलने की भी संभावना है। अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों को अपने पास बुला सकते हैं या फिर उनसे मिलने घर जा सकते हैं। प्रेम फल की बात की जाए तो प्रेम संबंधी मामलों के लिए सप्ताह के अच्छे रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि सप्ताह के अंत में सूर्य के राशि परिवर्तन से आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। आपका अहम भाव आपके संगी को परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी बातों को करने से पहले अपने संगी की बातों को सुनना चाहिए। वैवाहिक जीवन में निखार आने की संभावना है। आपके बात करने के तरीके में इस समय सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। आप अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपने संगी का मन मोह सकते हैं। आपका संगी भी इस समय आपसे निकट आता दिखेगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन आप शांति से उनके व्यवहार को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उपाय की बात करें, श्री हनुमान जी की उपासना करें, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि की। इस हफ्ते चंद्रदेव आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह शुक्र का आपके प्रथम और सूर्य का भी आपके प्रथम भाव में गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य को शारीरिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप परेशान रहेंगे। हालांकि इस राशि के छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा और विदेश में जाकर शिक्षा अर्जित करने की सोच रहे छात्रों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस समय अगर आपने खर्चों पर काबू नहीं रखा तो आपको आने वाले समय में काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसके बाद सप्ताह के मध्य में जब चंद्र का गोचर आपके षष्टम भाव में होगा तो नौकरी पेशा से जुड़े लोग कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस समय आप काम को सही तरीके से पूरा करने के लिए सहकर्मियों से भी दूरी बना सकते हैं। हालांकि सहकर्मी जो है आपके सुरुख से नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपका बॉस जो है आपसे खुश रहेगा। इस समय आपको शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। अगर अतीत में आपने आर्थिक रूप से किसी की मदद की थी तो इस समय वो शख्स आपका शुक्रिया कर सकता है। संतान पर ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में चंद्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से व्यापारियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि आपका कोई रुका हुआ काम जो है अचानक फिर से शुरू हो जाए और शुरू होते ही गति भी पकड़ ले। यह बात याद रखिए कि आपकी मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती और शायद इस सप्ताह आपके साथ कुछ ऐसा ही हो जिससे आपको इस बात पर यकीन भी हो जाए। दाम्पत्य जीवन में इस दौरान रोमांस की अधिकता देखी जा सकती है। सप्ताह के अंत में आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और आपको न चाहते हुए भी खर्चे करने पड़ सकते हैं। अष्टम भाव में चंद्र के गोचर की वजह से इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी अच्छे फल मिलेंगे। शुक्र का गोचर आपके लगन भाव में होने से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देखा जा सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होने से भी इस समय पूरे योग हैं। सूर्य का गोचर भी आपके प्रथम भाव में होगा, जिसकी वजह से आप में अहम की अधिकता देखी जाएगी। वाणी में कर्कशता आपको अपने करीबी लोगों से दूर कर सकती है। सरकारी पक्ष से लाभ होने की संभावना है। सूर्य के गोचर के चलते समाज में आपके पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम फल की बात की जाए तो इस
राशि के जातक इस सप्ताह अपने प्यार को व्यक्त करने के प्रति आतुर रहेंगे। आप अपने प्रेमी को यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं या उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं। आपकी नज़दीकी आपके संगी को पसंद भी आएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आप उन्हें अपनी बातें समझाना चाहते हैं वो उस तरह से उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। इस राशि के विवाहित जातक इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाएंगे, जिसकी वजह से जीवनसाथी के साथ मनमुटाव होने के आसार हैं। हालांकि जब आप शांत होंगे तो अपने जीवनसाथी को भी मना लेंगे। आपका जीवनसाथी यदि कारोबार करता है तो इस समय आपको उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे आपके संबंध तो अच्छे होंगे ही, साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे संध्या समय में सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं और पीपल की परिक्रमा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही शुक्र का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा और सूर्य देव भी आपके द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में माता की खराब सेहत आपकी चिंताओं में वृद्धि कर सकती है। आपको इस समय उनका ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों से आपकी माता के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ रहा है तो उनके साथ वक्त बिताएं। इस समय कामकाज की अधिकता कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, इसीलिए सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस समय चंद्र आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इसके बाद चंद्र का गोचर आपके पंचम भाव में होने से आपकी संतान को अच्छे फल मिलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रगति को देखकर आप भी प्रसन्न होंगे। कारोबारियों ने मेहनत के जो बीज अतीत में बोए थे उनमें अब कोपले निकल सकती है। आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। रचनात्मक और कलात्मक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप अपनी खूबियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्र का गोचर आपकी राशि से षष्ठम भाव में होगा, जिसके चलते सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आपको लगता है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं तो आपको इस समय कुछ क्रिएटिव बदलाव करने की जरूरत है। सप्ताह का अंत आपके सप्तम भाव में चंद्र के गोचर से होगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप उन मामलों को भी इस दौरान सुलझा सकते हैं जिनके बारे में सुनकर भी आप घबराते थे। आपका स्वास्थ्य भी इस समय दुरुस्त रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में भी इस समय हिस्सा ले सकते हैं। शुक्र का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने से आपकी रुचि जो है विलासितापूर्ण चीजों में बढ़ेगी। इस समय आप दिल खोलकर खर्च करेंगे, यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। अगर कर्जा या लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होने से विदेश जाने की संभावना है। हालांकि इस गोचर के चलते खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे और आप उनसे अपने दिल की बातों को बिना किसी झिझक के कह पाएंगे। आपके विरोधी भी इस दौरान परास्त होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो उससे बचने के बजाय उसका डटकर सामना करने की कोशिश करें। अगर आप उससे घबराकर दूर रहेंगे तो आने वाले समय में फिर आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। प्रेम फल की बात करें तो इस सप्ताह पंचम भाव में चंद्र के गोचर के दौरान आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे। आप दोनों के बीच यदि किसी बात को लेकर मन मुटाव था तो वो भी समय दूर हो सकता है। प्रेम का सच्चा एहसास इस सप्ताह आप करेंगे। आपको यह बात समझ आ सकती है कि दूसरे से प्यार चाहना प्यार नहीं है, बल्कि दूसरे को प्यार देना सच्चा प्यार है। आपकी प्रेमी आपके व्यवहार को देखकर इस दौरान अहोभाव से भर जाएंगे। इस राशि के जो जातक शादीशुदा हैं उन्हें अपने जीवन साथी की जरूरतों का इस समय ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका साथी आपसे दूर हो सकता है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से अपने साथी के लिए भी समय निकालना जरूरी है, इस बात को समझने की कोशिश करें। उपाय की बात करें तो माँ दुर्गा की उपासना करें और छोटी कन्याओं में हरे रंग की चूड़ी और मिश्री जो है भेंट करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि की। चंद्रदेव इस सप्ताह आपकी राशि से तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इसके साथ ही शुक्र का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होगा और सूर्य भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से सहकर्मियों से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बेवजह खुद को किसी बुरी स्थिति में फंसा सकते हैं। मित्रों से भी इस दौरान आपकी कहासुनी होने की संभावना है। इसके बाद चंद्र का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। आपकी माता का स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपके चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहेगी। इस समय आप बीती बातों को भुलाकर कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि किसी सहकर्मी से अनबन हुई थी तो इस समय सारे गिले शिकवे भुलाकर उनसे माफी मांगे। पंचम भाव में चंद्र के गोचर के दौरान आपकी संतान को जबरदस्त फायदा होगा। यदि वो पढ़ाई कर रही है तो उन्हें इस समय अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक अभी तक सिंगल हैं उन्हें इस दौरान कोई खास मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय अच्छे फल मिलेंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि होने के आसार हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर जो है आपकी राशि से षष्ठम भाव में होने से आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ेगी। शुक्र का गोचर जो है आपकी
राशि से एकादश भाव में होगा। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का भी मौका मिलेगा। सूर्य का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा, जिसके चलते आपकी संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है। इस दौरान उनकी सेहत का जरूर ख्याल रखें। प्रेम फल की बात करें तो इस राशि के जातकों को अपने दिल की बात अपने प्रेमी के सामने रखने में इस दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आपका प्रेमी बिना बातें सुने भी आपके मनोभाव को जान जाएगा। इस राशि के जो जातक शादी के बंधन में बंध चुके हैं, उन्हें अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने की जरूरत है। अपने साथी के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाएं, इससे आपके संबंधों में निखार आएगा। उपाय की बात करें तो भगवान शिव की पूजा करें और उन्हें दूध एवं चावल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह चंद्र का गोचर आपकी राशि से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। इसके साथ ही शुक्रदेव आपके दशम और सूर्यदेव भी आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत द्वितीय भाव में चंद्र के गोचर से होगी। इस दौरान आपको शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। भोजन के प्रति लापरवाही बरतना आपके अच्छे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए जितना हो सके संतुलित भोजन करने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर आप घर के लोगों से उलझ सकते हैं, जिससे परिवार से आपकी दूरी बढ़ेगी। हालांकि वास्तविकता का पता चलने पर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं। तृतीय भाव में चंद्र के गोचर से यात्रा से लाभ होने के पूरे आसार हैं। छोटे भाई बहनों से आपकी निकटता बढ़ेगी। इस समय आप उनको खुश करने के लिए उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। अगर आप किसी फल की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत थे तो इस दौरान आपको उसका अच्छा नतीजा मिलने के आसार हैं। सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होंगे। इस समय आपको सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है। आपके पिता का स्वास्थ्य इस दौरान जो है बिगड़ सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बावजूद इसके भी आपको मन चाहा फल नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में धैर्य को ना खोए, प्रयास लगातार जारी रखें। सप्ताह का अंत जो है पंचम भाव में चंद्र के गोचर से होगा, जिसके चलते आपकी संतान को उन्नति मिलने के पूरे आसार हैं। अगर वो प्रारंभिक शिक्षा कर रहे हैं तो उस दौरान उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। शुक्र का गोचर जो है आपके दशम भाव में हो रहा है। इस भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर के चलते कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। आपकी बात को उस तरह से नहीं समझा जाएगा जैसा आप समझाना चाहते हैं। हालांकि पारिवारिक जीवन में इस समय आपको शांति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में महिला कर्मचारियों से अच्छी तरह से पेश आएं। सूर्यदेव का गोचर भी आपके दशम भाव में ही होगा, जिसके चलते काम की अधिकता हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे इस राशि के जातकों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है। वहीं जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, इस गोचर से अच्छे परिणाम मिलने की भी संभावना है। प्रेम फल की बात की जाए तो यह सप्ताह प्रेम संबंधी मामलों के लिए सामान्य रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी बातों से अपने संगी का मन मोह सकते हैं। आपका संगी भी इस समय आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आप अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए मौके ढूंढते नजर आएंगे। अगर आपका प्रेमी आपसे दूर रहता है तो इस समय आप उनसे मिलने का प्लान बना सकते हैं। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी को कोई सरप्राइज देने के बारे में सोच सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस समय आपको ख्याल रखना होगा। उपाय की बात करें तो पीपल के वृक्ष को बिना छुए बृहस्पतिवार के दिन जल चढ़ाएं और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के लगन भाव में होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको किसी चीज़ की चिंता सता सकती है। इस समय अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में विचार ना करें। सप्ताह आपका रहस्यमय चीज़ों के प्रति रुझान को बढ़ाएगा। आप किसी रहस्यमय चीज़ को समझने के लिए उसके तह तक जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। यदि आप किसी शोध में लगे हुए हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। वहीं चंद्र जब आपके द्वितीय घर में होगा तो इस सप्ताह अचानक से आपके लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस समय आप धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। हालांकि वह धन शीघ्र खर्च भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भाई बहनों के लिए किसी प्रकार की समस्या खड़ी कर सकता है। छोटी दूरी की यात्रा पर जाना संभव है। हालांकि इस यात्रा में बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे में अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो यात्रा को टाला भी जा सकता है। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में माता पिता की सेहत भी कुछ कमज़ोर रह सकती है, उनकी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन जब चंद्रमा सप्ताह के अंत में आपके चौथे घर में होगा तो उस समय परिवार में सुख शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। घर का वातावरण सुकून देगा आपको। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो परिजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में स्थिति जो है अनुकूल होगी, काम में मन लगेगा। सप्ताह के अंत में शुक्र और सूर्य का गोचर आपके नवे भाव में होगा। इस दोनों ग्रहों के गोचर का भी प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आप आनंद के क्षणों को व्यतीत करने के लिए किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा से धन लाभ संभव है। इस समय आपको अपने पिछले प्रयासों का फल प्राप्त होगा और आमदनी में वृद्धि होने की भी संभावना है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वहीं सूर्य के प्रभाव से पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, ऐसे में उनकी देखभाल करें। वहीं समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज के प्रभुत्वशाली लोगों से मिलने के अवसर भी आपको मिलेंगे।
प्रेम जीवन की बात करते हैं। सप्ताह जो है प्रेम संबंधों के लिए सामान्य से बेहतर है। सप्ताह की शुरुआत में आप प्रियतम से मिलने का प्लान बना सकते हैं। वहीं सप्ताह में के अंत में आपको प्रियतम की किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन इस समय आपको शांत रहना होगा। प्रेम की डोर को मजबूत करने के लिए आप दोनों सप्ताह के अंत में किसी प्यारी सी जगह पर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सप्ताह आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों की मेहमान नवाजी कर सकते हैं। जीवन साथी को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, उनकी सेहत भी बिगड़ सकती है। उपाय क्या करना है आपको, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसकी जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के द्वादश भाव में होने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। खासतौर पर आप अनिद्रा रोग से पीड़ित हो सकते हैं। इस समय आप धार्मिक विषयों में खास रुचि लेंगे। इस संबंध में आप धन भी खर्च करेंगे। किसी कारणवश घर से दूर जाने का योग बन रहा है। इस समय अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनिद्रा से बचने के लिए योग और ध्यान क्रिया को अपनाएं। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके लगन भाव में भी जाएंगे। इस समय चंद्र के प्रभाव से आपका मन प्रसन्न होगा। आपके स्वभाव में सकारात्मक भाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से व्यापार से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव है वो कुटुंब का भाव भी होता है। इसलिए चंद्रमा के गोचर का प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा। परिजनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपके छोटे भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में जो है तरक्की करेंगे। उनकी सफलता को देखकर आपका मन गर्वान्वित हो जाएगा, लेकिन आप इस समय आलसी हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में शुक्र और सूर्य का जो गोचर है आपके अष्टम भाव में होगा। शुक्र के प्रभाव से आपको धन की प्राप्ति होगी, वहीं कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप गुप्त रूप से अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे। वहीं सूर्य के प्रभाव से आप अपने छुपे हुए राज आपके खुल सकते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ें। आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी, लेकिन आपका मन जो है अधिक भोग विलास की ओर जाएगा। इसके लिए सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके कारण समाज में आपकी मानहानि हो सकती है। लिहाजा आपको अपनी वासनात्मक विचारों पर काबू पाना होगा। प्रेम फल की बात की जाए तो इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन सुखमय रहेगा। प्रियतम से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। ये नजदीकियां आपके मन में वासनात्मक विचारों को पैदा कर सकती हैं। इस स्थिति में आपको अपने कामुक विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। लव पार्टनर आपके विचारों की पूरी कद्र करेगा। इस समय यदि आप उन्हें अपने परिजनों से मिलवाना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं। घर वालों की ओर से सकारात्मक संकेत मिलेंगे। सप्ताह के अंत में प्रियतम से आपकी मुलाकात जो है बेहद गर्मजोशी से होगी। इस समय आप उनसे कीमती उनके साथ समय बिताएंगे। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सामान्य रहेगा। जीवन साथी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए उन्हें समझने की कोशिश करें। साथ ही आपको जीवन साथी की मदद से किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय क्या करना है आपको, गणेश जी की उपासना करें और उन्हें मोदक और घास चढ़ाएं, दुर्वा जिसे कहते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। खासकर छात्रों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में समय लग सकता है। हालांकि आपकी आमदनी में वृद्धि होने के प्रबल आसार हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद को शांत रखें। चंद्रदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में जाएंगे। इस दौरान आपके किसी यात्रा पर जाने की संभावना है। इस यात्रा के कारण आपका खर्च बढ़ सकता है। इसके साथ ही यात्रा के दौरान शारीरिक कष्ट की भी संभावना है। इस समय आपके विरोधी प्रबल रहेंगे, ऐसे में उनसे टकराने से बचें। इसके बाद चंद्रमा आपके पहले भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। मन में किसी चीज़ को लेकर व्याकुलता नजर आ सकती है। इस समय आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि इसके कारण आप किसी फसाद में पड़ सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में भी जाएंगे। वहीं सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके धन भाव यानी दूसरे घर में होगा तो आपको वाद विवाद से धन लाभ होने की संभावना है। आपको अपने ननिहाल की ओर से अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, क्योंकि दूसरे भाव में आपके पारिवारिक जीवन को भी देखा जाता है। इसीलिए सप्ताह के अंत में परिवार में समरसता का भाव देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, सप्ताह के अंत में ही शुक्र और सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव से आपके वैवाहिक जीवन पर और जीवन में होने वाली सभी प्रकार की साझेदारियों को देखा जाता है। शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। आप अपने जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। जहां तक व्यवसाय की बात है तो व्यवसायिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सूर्य के प्रभाव से आपको दाम्पत्य जीवन में तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जीवन साथी की भी सेहत भी बिगड़ सकती है, उनका ध्यान रखें। आप दोनों के बीच अहम का टकराव नजर आ सकता है। हालांकि सूर्य का प्रभाव आपको व्यापार में लाभ कराएगा। प्रेम फल की बात की जाए तो यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन आपको प्रेम जीवन में परेशानियों का जो है कभी कभी सामना करना पड़ सकता है। प्रियतम और आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर असुरक्षा की भावना जागृत हो सकती है। इसके साथ छोटी छोटी बातों में आपके बीच झगड़ा भी संभव है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुत ही धैर्य रखकर कार्य करना होगा। यदि साथी के ऊपर आपको किसी तरह का संदेह है तो पहले उनके संदेह को दूर करने की कोशिश करें।
जहां तक वैवाहिक जातकों का सवाल है तो उन्हें सप्ताह की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्ताह का मध्य भाग भी उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन सप्ताह के अंत में परिणाम जो है कम अनुकूल होंगे। जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। इस दौरान आपको जीवन साथी के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है, शनि देव की आराधना करें और उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि की। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके कर्म यानी दशम भाव में गोचर करेंगे। चूंकि कर्म भाव से आपके कार्य क्षेत्र कार्य व्यापार को देखा जाता है, इसीलिए इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि आप अपने कार्य को लेकर अधिक तनाव लें, लेकिन ऐसा करने से बचें क्योंकि इसका प्रभाव आपकी सेहत पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इस समय काम में भी आपका मन नहीं लगेगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। इसके पश्चात चंद्रमा आपके एकादश भाव में स्थित होगा, यह लाभ भाव होता है। इस समय आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और संतान के लिए थोड़ा अशुभ समय हो सकता है, ऐसे में उनका ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपके रुके हुए काम बनेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित होगा। इस दौरान मीन राशि के छात्र जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाने का प्लान बना सकते हैं। उधर आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। सेहत की बात करें तो मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस लंबित है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में होंगे। यदि आप एक छात्र हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। संतान की ओर से आपको सुख प्राप्त होगा, वहीं सेहत में सुधार आएगा, आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा, आप अपनी कार्य योजनाओं को गति देने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह शुक्र और सूर्य दोनों का गोचर आपके 6वें भाव में होगा। शुक्र के प्रभाव से आपको शारीरिक कष्ट होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना है। महिलाओं से बहसबाजी नहीं करनी है। सूर्य का प्रभाव आपको साहसी बनाएगा, आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही आपको सत्ता का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों को सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी। प्रेम फल की बात की जाए तो प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, लिहाजा आपको प्रेम के मामलों में थोड़ा संभल कर चलना होगा। प्रियतम से किसी बात पर नाराजगी हो सकती है या फिर उन्हें आपके ऊपर गुस्सा आ सकता है, ऐसी स्थिति में कड़वी भाषा का प्रयोग न करें। सप्ताह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में बाधाएं आ सकती हैं, हालांकि सप्ताह के अंत में आप लव पार्टनर से मिलकर अपने सारे गिले शिकवों को दूर कर सकते हैं। साथी को नाराज होने का मौका ना दें, वहीं विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, इसीलिए उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो सूर्यदेव की पूजा करें, उन्हें जल का अर्घ दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच का समय सभी राशियों के लिए कैसा है। हमने उपाय बताए आपको, साथ ही यह भी बताया कौन कौन से त्यौहार जो है, पर्व जो है, व्रत जो है, होने वाले हैं इस 7 दिनों में, तो आपको यह भी हमने जानकारी दी। उपायों का इस्तेमाल करके आप परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है साप्ताहिक राशिफल में आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे दैनिक राशिफल के वीडियो को देखते रहें, वहाँ पर हम आपके किसी भी 2 लाख व्यूअर के सवालों का जवाब देते हैं। तो आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे दैनिक राशिफल के वीडियो पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि इस सप्ताह में स्वतंत्रता दिवस है, बहुत सारे त्यौहार हैं, सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने देश के लिए भी अच्छा काम करेंगे और देश के लिए भी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो आप अच्छा करते रहें, देश के हित में काम करते रहें, हमारी यही आशा है आपसे। साथ ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।